सो अभी हमारे पास बस लास्ट चीज बाकी है, वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस आपको याद है क्या था, कि जो जो भी पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टी थी, जैसे था आपके अम्मी अब्बा की जो खूबियां थी वो आपके अंदर आए, तो सिमिलरली हम लोग जो है क्लासेस के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सो ला फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं जो है, और हाँ जब और जब जब भी आप कोई भी क्लास को इनहेरिट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है। पहले से ध्यान में ये रखना है कि जो भी आपकी होगी ना पैरेंट क्लास, जो उस पैरेंट क्लास के जो भी कंस्ट्रक्टर देंगे, वही सारे के सारे कंस्ट्रक्टर आपको उसके चाइल्ड क्लास में कॉल करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समझो कि मेरा ये है क्लास वाला कार्ड, ठीक है, ये मेरी क्लास कार्ड है। अगर मैं इस क्लास कार्ड को कोई भी दूसरे क्लास में इनहेरिट करूंगा, लाइक ये उसका पैरेंट क्लास देगी, तो वो जो भी वाली क्लास देगी उसमें भी मुझे कंस्ट्रक्टर पास करना पड़ेगा। लाइक ये छह लिखा तो करके दिखाते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्लास बनाते हैं ट्रक, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास बनाते हैं ट्रक बनाते हैं, ठीक है, हमने क्लास बनाया ट्रक या फिर हैवी व्हीकल, ठीक है, हमने बनाया क्या हैवी हैवी व्हीकल वाली क्लास, ठीक है, हैवी व्हीकल वाली क्लास बनाया। और ये वाली क्लास क्या करी, ये वाली क्लास जो है इनहेरिट करी किसको, ये इनहेरिट करी हमारी कार वाली क्लास को, ठीक है ना। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी चलो मैं दिखाता हूँ, अगर जब से मैं रन करूंगा ना, रन तो होगा पहले उसका जो है, हाँ तो एक चीज ये रहता है ध्यान में रखना, कि जब भी कोई भी क्लास बन जाती है ना पेरेंट क्लास, अगर कोई भी क्लास पेरेंट क्लास बन गई, तो वो क्लास के आगे आपको एक चीज चीज लिखना पड़ता है, वो है ओपन। ठीक है, जब तक आप ये ओपन कीवर्ड नहीं डालेंगे कोई भी क्लास में, वो क्लास जो है पेरेंट क्लास नहीं बनेगी। लाइक चलो दिखाता हूँ मैं, इसको मैं डिलीट किया यहाँ से और मैं रन किया, तो मुझे कहीं ना कहीं एरर देगा, बोलेगा हाँ दिस टाइप इज फाइनल, सो इट सो दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम, समझे आपने। लाइक इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि भाई साहब ये जो है कार वाली क्लास, ये कार वाली क्लास फाइनल है, लाइक जो भी था इसका डेवलपर, इसने इसको इनहेरिट के लिए रखा नहीं है, तो ये तू इसको इनहेरिट कर सकता नहीं है। और ये बाद में जो इसने दिया वैल्यू या एरर दिया, कि एरर इसने ये बोला कि भाई तूने जो है कार क्लास को बुलाया तो है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट किधर, लाइक इसके जो कंस्ट्रक्टर है ये सब है किधर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट थिंग ये करना पड़ेगा कि जो मेरी कार क्लास है इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, ताकि ये फाइनल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ओपन, और जो आपने देखा था फाइनल लिख के आया था, वो फाइनल जो है वो आता है इनकैप्सुलेशन के अंदर। लाइक जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी, आपकी मर्जी के बिना उस क्लास से कोई इनहेरिट करेगा नहीं। ठीक है, और आपकी मर्जी कैसे चलती है, जस्ट राइट ओपन बिफोर क्लास एंड इट बिकम अ क्लास टू बी अ इनहेरिट। ठीक है, जब मैं रन करूंगा तो ये मुझे बोलेगा नो नो वैल्यू पास फ्रॉम पैरामीटर नेम मॉडल प्राइस। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे हैवी व्हीकल के, देखो जब मुझे कोई चीज लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हील, हाँ अभी व्हील को कोई सामान मेरे से चाहिए, तो वो सामान मेरे पास पहले होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हील को मेरे पास से कोई माउस चाहिए, ठीक है, डेल का माउस चाहिए व्हील को, तो व्हील को माउस देने के लिए पहले वो माउस मेरे पास आना चाहिए ना। लाइक जब जब तक मेरे पास माउस रहेगा नहीं, मैं व्हील को क्या दूंगा। तो वैसे ही सिमिलरली जब भी आप कोई भी क्लास को इनहेरिट करते हैं ना, तो उसके कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास पहले वो कंस्ट्रक्टर, लाइक आपके पास नहीं है कंस्ट्रक्टर, आप उस आप जो आपकी पेरेंट क्लास है आप उसको दे रहे हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए पहले जो भी मेरे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर है ना, ये सारा मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ये मैंने किया कॉपी, और इसे मुझे जो मेरी चाइल्ड क्लास देगी उस चाइल्ड क्लास से मुझे इसे पेश करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी मैं ये हैवी वर्कर को कॉल करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये तीन पैरामीटर जो है मुझे मिले, ताकि जो मेरी पेरेंट क्लास है मैं उसको दू। अभी पेरेंट क्लास को कैसे देना, पेरेंट क्लास को कैसे देते हैं हम लोग, जो जो भी आपने लिखा है ना, नाम मॉडल प्राइस, ये जो भी तीन चीज आपने लिखा है ना, ये सेम चीज यहाँ पे लिख दो, क्या नेम कॉमा मॉडल कॉमा प्राइस। तो ये क्या किया, इसने ये यूजर जब भी इसका ऑब्जेक्ट बना, तो इसने इसके ऑब्जेक्ट से तीन चीज लिया, नेम लिया, मॉडल लिया, प्राइस लिया, और ये चीज लेने के बाद इसने जो इसकी थी पेरेंट क्लास जो हमारी कार्ड है, उसने इस चीजों को स्पेसिफाई कर दिया। और अभी ऐसा कंपलसरी नहीं कि अगर यहाँ पे नेम हो तो यहाँ भी नेम हो, ऐसा मैं ऐसे कह सकता हूँ, नेम किया मैंने यहाँ पे, एल किया यहाँ पे, ई किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा, इधर से मैं हटाया और इधर हटाया। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे कोई एरर देगा नहीं, ठीक है, तो नॉर्मली रन किया। तो अभी फॉर एग्जाम्पल चलो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी हैवी व्हीकल वाली क्लास है इसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, इसका मैं नीचे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं बनाया यहाँ पे क्या वार, यहाँ पे मैं देता हूँ क्या हैवी हैवी ओबीजी, और ये ओबीजी ओबीजी में निकल रहा ना, ये ऐसा कंपलसरी नहीं कि, अरे नहीं,
ऐसा कंपलसरी नहीं कहा बिल्कुल, यू कैन गिव एनी नेम टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक नॉर्मल वेरिएबल ही है, ठीक है, लाइक बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑब्जेक्ट दूँ, आप चाहे तो बस हैवी हैवी करके कर सकते हो, कैन यू रिपीट अगेन, थोड़ा बाउंसर गया, ठीक है, तो कौन सा पार्ट बाउंसर गया, ये कंस्ट्रक्टर वाला ना, तो देखिए अभी नीरी समझो, तुम्हें जो है मुझसे माउस चाहिए, देखिए तुमने मुझे बोला कि माउस हटाओ, तुम्हें मुझसे कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, कोई एग्जाम आ रहे हैं तुम्हें मुझे नोट्स चाहिए, तो तुम्हें नोट्स देने के लिए वो जो नोट्स है वो पहले मेरे पास होने चाहिए ना, लाइक जब मेरे पास ही वो नोट्स चाहिए तो तुम्हें क्या मैं प्रोवाइड करूंगा, कुछ भी नहीं ना, लेकिन तुम्हें नोट्स चाहिए, लाइक तुमने जिद करके जाके कि नहीं जाके मेरे को नोट्स लागे थे कैसे भी ला, सो तुम्हें नोट्स देने के लिए पहले नोट्स मेरे पास आना चाहिए, सो वैसे यहाँ पर आया, जो हमारी ये पेरेंट क्लास है कार, इसके अंदर तीन कौन से कंस्ट्रक्टर है, नेम, मॉडल और प्राइस, तो जब तक मैं ये तीन चीज उसको दूंगा नहीं, जब तक मैं ये तीन चीज इस पेरेंट को दूंगा नहीं, ये मानेगा नहीं, बोलेगा भाई ला के दे, आई डोंट केयर कहाँ से लेके आएगा, सो अगर मेरी ये हैवी व्हीकल क्लास को अगर इस कार वाली व्हीकल को कुछ देना पड़ेगा तो पहले उसको लेना पड़ेगा, लाइक जो भी पैरामीटर है पहले उसके पास उसकी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, तो अब भी हम कैसे लाते वैल्यू, हम लोग यूजर से वाया ऑब्जेक्ट बनाते हुए ले जाए ना, ऐसा करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर था, तो वैसे सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसके जो हैवी व्हीकल वाला जो है ना मेरा क्लास, इसके भी मैं कंस्ट्रक्टर के ना बोल दूंगा यूजर को कि देख भाई अगर देखो ये हैवी व्हीकल वाला जो है क्लास, अगर तुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने का है ना, तो देखो जो है ये तीन चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जब तक ये तीन चीज स्पेसिफाई नहीं करेगा तो इस क्लास को बना नहीं पाएगा, तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, चलो समझो ये जो है ये मेरी पेंसिल जो है, ये मेरी पेंसिल जो है ये हैवी व्हीकल का ऑब्जेक्ट है, सो ये पेंसिल ने क्या किया, ये पेंसिल ने क्लास जो था ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने इस क्लास को तीनों चीज स्पेसिफाई किया, लाइक इसे इसको नेम दिया, मॉडल दिया और प्राइस दिया, फिर ये चीज नेम मॉडल और प्राइस जो मेरी ये चाइल्ड क्लास है, जो मेरा बच्चा क्लास है, इस चाइल्ड क्लास ने मेरे पेरेंट क्लास को सेम चीज दिया, बोला ले पकड़ अपने अपना जो तू है ना कंस्ट्रक्टर फुलफिल कर, तो ऐसे जो है हम लोग ऐसे जो है हम लोग पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, अभी समझा कुछ है बाउंसर मारा, ये भी समझा ना, तो हाँ लाइक ये था, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर मेरी चाइल्ड पेरेंट क्लास के ना तीन कंस्ट्रक्टर है तो मेरे चाइल्ड वाले क्लास में भी सेम 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 नंबर कंस्ट्रक्टर रह गया, लाइक लेस देन, याद रखना चाइल्ड क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के पास नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी लेस देन पेरेंट क्लास, इट शुड बी इक्वल और मोर देन पेरेंट क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जो है मेरा हैवी व्हीकल है क्लास, इसके अंदर मैं एक और चीज डालूंगा, क्या डालूंगा, मैं बोलूंगा चलो भाई तू जो है मुझे ये भी डाल दे कि कितना मैक्सिमम वेट जो है मेरा गाड़ी लेगा, ठीक है, ये जो मेरी ट्रक है जो मेरी हैवी व्हीकल है ये कितना मैक्सिमम वेट लेके घूम सकती है, ठीक है, तो मैंने इनिट किया, तो क्या हुआ जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ये हैवी व्हीकल का, तो यूजर ने नाम दिया, मॉडल दिया, उसका प्राइस दिया और साथ में हैवी व्हीकल भी दिया, लेकिन मेरा जो कार ऑब्जेक्ट है उससे क्या चाहिए, उसके ऊपर तीन चीजें मतलब है, उसे मतलब है कार के वो नाम से, मॉडल से और प्राइस से, है ना, तो उसने क्या किया, जो हमने यहाँ पे हमारा नेम था, मॉडल था और प्राइस था, हमने ये तीन चीजें यहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया, तो समझा, तो अभी दिखाता हूँ मैं, अगर ये ना इसका मैं बनाता हूँ ओबीजी इज इक्वल टू क्या, लेट्स से हैवी हैवी VECS, और थोड़ा नाम दे दो क्या, कुछ भी नाम दे दो, I'm not more than in truck and yeah, one, इसका प्राइस समझ लो 12,000 है और ये मैक्सिमम 500 किलो से ज्यादा लेगी नहीं, ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा ना तो देखिए यहाँ पे ये हुआ रन, ठीक है, तो देखिए इधर पे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास ASD एंड मॉडल ASD, तो चल ना हटना, तो इस टेम्पररी मिनट के कहने, तो इसको जो है देखो, सो अभी देखिए जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने हैवी व्हीकल का और मैं जाके स्पेसिफाई करी, तो इसने ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल किया, लाइक हमने यहाँ पे जो है कोई कंस्ट्रक्टर लिखा क्या, हमने यहाँ पे हमने कोई ऐसा इनिट फंक्शन लिखा नहीं ना, लेकिन तब भी ये जो है आउटपुट आया, अभी आउटपुट कैसे आया, ये आउटपुट इसलिए आया क्योंकि जो हमारी कार वाला था ना ऑब्जेक्ट, जो हमारा कार की क्लास थी, इस कार की क्लास के ना पहले से एक इनिट फंक्शन है, तो ये क्या हुआ जब हमने इसका बनाया ऑब्जेक्ट, सो अब देखो मैंने क्या कहा था कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके सारे प्रॉपर्टी उसके सारे फंक्शन सबके सब किस में आ जाए, सबके सब आते हैं चाइल्ड क्लास में, मतलब क्या हुआ जो भी मेरी कार क्लास थी इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर एक इनिट फंक्शन है
और इसका ना टोटल प्राइस है ना। तो ये दोनों के दोनों जो है ऑटोमेटिकली मेरे हैवी व्हीकल में आ गए। तो जब भी जब जैसे मैंने इसका बनाया क्लास, जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली इसका जो है ये इनिट फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ। ठीक है, तो मैं सिमिलरली कह सकता, मैं सिमिलरली ये भी कह सकता हूँ क्या कि हैवी हैवी ओबीजी डॉट टोटल, क्या है टोटल प्राइस, अब मैं 10 10 पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं रन किया। सो इसको शायद मैं थोड़ा कर पाता। सो यहाँ देखिए इसने क्या किया, जो जो भी मेरे कार वाली क्लास की उसका जो था कंस्ट्रक्टर था और उसका जो टोटल प्राइस था, ये दोनों के दोनों मेरे इसमें आ गए, इसमें चाइल्ड क्लास में आ गए। तभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, लाइक इस क्लास में कुछ है क्या, इस क्लास में कुछ भी नहीं, लिटरली एक क्लास खाली है। लेकिन तभी ऑटोमेटिकली इसका इनिट भी चल रहा है और इसका वो भी चल रहा है, टोटल टोटल प्राइस भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि जो इसकी पैरेंट क्लास थी इसके पास ये दोनों चीजें थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पैरेंट क्लास की जो भी थी खूबियां उसके बच्चे में आ गए। ठीक है, लाइक इनडायरेक्टली आ गए। समझा आपको कैसा ये हुआ, इनहेरिट कैसे चला, समझा। ठीक है, तो अभी लास्ट चीज बाकी है इनहेरिट के अंदर, वो है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अभी मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग ये होता है कि जो भी चीजें पैरेंट क्लास में है चाइल्ड क्लास उसको ओवरलोड कर देगा। लाइक चलो फॉर एग्जाम्पल, चलो कि मेरा जो है कार क्लास, ठीक है, मेरे कार क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, टोटल प्राइस है ना, इसके अंदर टोटल प्राइस है। लेकिन ये टोटल प्राइस क्या कर रहा है, ये टोटल प्राइस जो है बस जीएसटी 18% लगा रहा है। अभी ट्रक में जो, लाइक चलो मान लो कि ट्रक में 18% नहीं लग रही है, ट्रक में लग रही है 32%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं एक अलग ही पूरा फंक्शन बना लूँ, हाँ ठीक है, लाइक उसका मैं नाम दे दूँ क्या, फंक्शन टोटल हैवी प्राइस, हाँ टोटल टोटल हैवी व्हीकल प्राइस, ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पहले से जो फंक्शन दिया हुआ है ना मेरा टोटल प्राइस जो मेरे पैरेंट क्लास का है, मैं इसको ही कर दूँ ओवरराइड, ताकि जब भी बंदा इसको यूज करे, हैवी व्हीकल को यूज करे, तो वो जो है अनॉय ना होगा, वो लेगा भाई ये ऐसा क्यों है कि सिंस कि क्या बोलते हैं मैं, अल्लाह सल्ला कि मैं एक जगह टोटल प्राइस यूज कर रहा हूँ और एक जगह टोटल हैवी व्हीकल प्राइस, लाइक थोड़ा अनॉय हुआ ना कि काम एक ही और लेकिन नाम अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, कि नाम दोनों का सेम होगा लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्लास वो चेंज होगा। लाइक अब वो दिखाता हूँ। और हाँ, जैसा क्लास को इनहेरिट करने के लिए हमने हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ओपन लिखा था है ना, जैसे हमने क्लास इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे हमने ऊपर ओपन लिखा था, वैसे सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पैरेंट क्लास का फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए अलाउ हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ओपन लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा ओपन, तो ये क्या हुआ, ये जो क्लास है ये वाली क्लास अभी मेथड ओवरलोडिंग के लिए हो गई है एलिजिबल। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे मैं आया, लेट्स से फंक्शन टोटल, ठीक है, मैं यहाँ मैंने कहा टोटल प्राइस, हाँ, और यहाँ पे मैं लिया क्या QTY, और यहाँ पे लिया मैंने क्या इनिट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे क्वांटिटी चाहिए। हाँ, फिर यहाँ पे मैं आया और मैं क्या करता हूँ, दोनों को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और लेट्स से 32, ठीक है, तो अब जब मैं करूंगा रन इसको, लेट्स से इसका प्राइस कर लो 1000, ठीक है, इसका प्राइस कर लिया मैंने 1000, और टोटल प्राइस लेता हूँ मैं एक ही लेता, एक ही कर लूंगा। ठीक है, अब मैं रन करूंगा इसे, तो या टोटल प्राइस हायर द मेंबर सुपर टाइप कार एंड नीड ओवरराइड मॉडिफायर। ठीक है, अभी इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई साहब टू क्लास बॉडी ओवरराइड कर रहा है, हाँ माना मैं, लेकिन कम से कम मुझे तो बोलना कि तू ओवरराइड कर रहा है। सो जैसा हमने यहाँ पे पैरेंट क्लास के लिखा ना ओपन, वैसे सिमिलरली अगर आप ये वाले फंक्शन को ओवर एड कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, ओवर राइट। ठीक है, अरे मैं इसे रुपये ऑन हो गया, ओवर राइट FQN। ठीक है, तो ये ओवर एड क्या है, ये ओवर एड कीवर्ड है, ये कीवर्ड क्या बोलती है, कीवर्ड बताती है कि हाँ देख भाई साहब जो प्राइस क्वालिटी, ये जो ओवर राइड कीवर्ड, ओवर राइड कीवर्ड बोलता है कि ये जो टोटल प्राइस वाली क्लास है ये ओवर राइड हो रही है। ठीक है, लाइक आपने देखा था पहले कि जब हमने बिना ओवर राइड के रन किया तो उसने एरर दिया है ना, लेकिन अब जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे एरर देगा नहीं, इससे क्या किया 1 से 2 0, तो लाइक ऑब्वियसली बात है, लाइक अगर आप 1000 को करोगे 30.32 से तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मेथड ओवर राइड का क्या रहता है ना वैल्यू, मेथड ओवर राइड की वैल्यू ये रहती है कि अभी देखो यहाँ पे टोटल प्राइस वाला था जो पेरेंट का था उसके अंदर क्या आ रहा है, बस क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, भाई समझ लो आप चाहते हो कि क्वांटिटी नहीं यार, मेरे को जो है कि क्या बोलते हैं
नंबर ऑफ टायर पर भी बोल, लाइक चलो कि नंबर ऑफ टायर नहीं, लेट्स से डिस्काउंट, ठीक है, आपको कितना कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी आए। सुनो ना, क्या देख रहे थे हम लोग, ओवर राइडिंग का देख रहे थे, लेकिन मैटर ओवर राइडिंग का मैं मालूम पड़ा था कि जो भी पेरेंट्स के जो भी कंसर्न थे, चाहे क्लास उस फंक्शन को अपने साइज से बदल सकते हैं। और ऐसे भी कह सकता हूँ ना मैं कि यहाँ पे मेरा जो टोटल प्राइस है, जो मेरा पेरेंट क्लास का टोटल प्राइस है, इसके ना एक चीज़ आएगी क्या, इसके ना सिवा है क्वांटिटी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टायर क्लास है, जो मेरा हैवी व्हीकल है, इसके अंदर अलॉन्ग विथ क्वांटिटी डिस्काउंट भी है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बात है, साइड जब आप लेते हो बड़ी गाड़ियाँ तो आपको मिलता है डिस्काउंट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिया क्या, यहाँ पे लिया डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट लिया हमारा INT मारा। तो मैं चाहता हूँ डिस्काउंट के बाद क्या हो या 0.32 एंड देन माइनस डिस्काउंट, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ कि ऑफर लिखता हूँ प्रिंट LN इन चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है, चाइल्ड क्लास फंक्शन। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा फंक्शन था ये वाला, कहाँ गया ये, मेरा टोटल प्राइस था, इसमें से एक ही पैरामीटर था। जब मैं इसको रन करूँगा देखते क्या होता है। तो मैं रन किया, इसे बोला टोटल प्राइस ओवरराइड नथिंग, ठीक है, इसे बोला टोटल प्राइस ओवरराइड नथिंग। क्यों बोला उसने ये, इसलिए बोला क्योंकि आप जब आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं ना, सो जो सेम नंबर यहाँ पर है, जो सेम नंबर पैरामीटर इधर है, वो डिटो यहाँ पर होना चाहिए। तो लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल प्राइस, अगर मैं टोटल प्राइस को मैं करूँ ना, एक ऐड एक और नई चीज ऐड करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ओवरऑल हटाना पड़ेगा और मुझे नॉर्मल जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे कॉल किया, सो ये जो है इसने जो ओप्पो वाला था ये वाला कॉल किया, ठीक है, इसने ओप्पो वाला कॉल किया। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक की जगह ऐसे मैंने यहाँ पे फॉर्म वाके लिखा 500 रुपया, मैं इसे रन करूंगा, सो ये देखिए इसने इसने क्या किया, इन चाइल्ड क्लास। तो मतलब क्या मैं बोलने का मतलब था ना, कि जब आप कोई भी क्लास को इनहेरिट करते हैं, है ना, और अगर आपको उससे कोई भी फंक्शन ओवरराइड करना है, तो आप उसके नंबर ऑफ पैरामीटर ओवरराइड नहीं कर सकते हो। आप उसके बाकी का जो अंदर का कोड है वो चाहे तो कर सकते हो ओवरराइड, लेकिन जो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर है वो सेम का सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इनकेस अगर चाहते कि नहीं यार मुझे एक्स्ट्रा पैरामीटर चाहिए, मुझे ये पैरामीटर नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप जो है अपनी चाइल्ड क्लास की सेम नाम से, ठीक है, चाइल्ड क्लास की सेम नाम से एक नया फंक्शन बना दो और उसको जो चाहे वो पैरामीटर दो। अब मैंने कहा कि जब मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब मैंने इधर पे यहाँ पे जब मैंने हैवी वेक टोटल प्राइस किया ना, सिर्फ मैंने एक ही पैरामीटर पास किया था, तो उसने ये ऊपर वाले से था जो मेरा चाइल्ड क्लास का था उसने ये किया एग्जीक्यूट। लेकिन जब मैंने टोटल प्राइस को दो वैल्यू पास किया, जब मैं सब क्वांटिटी के साथ डिस्काउंट भी पास किया, तो उसने क्या किया, उसने ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया। और साथ ही में नीली नीली के क्वेश्चन मुझे ब्रेक के टाइम नीली के क्वेश्चन का मुझे ब्रेक नहीं आ रहा है। अभी आप लोग बोलते हो कि जकी जब तू यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास कर रहा है, सो लाइक तो ये जो नॉर्मल जो यहाँ पे जब अपन बनाते वेरिएबल, ऐसे मैं यहाँ पर कर दिया क्या दो, जो अपन यहाँ पे वेरिएबल बनाते इसका काम क्या, सो ये जो सारे होते हैं ना वेरिएबल, इनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लाइक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि लाइक प्रोग्रामिंग में ना दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। लाइक कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन के बाहर लिखे जाते हैं ना, जो भी चीज फंक्शन के बाहर लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लाइक ये वैल्यू जो है ये ग्लोबल है, और इसे अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे बुलाया तो ये वैल्यू चेंज होगी। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल ये होता है कि उसका जो रहता है ना इंस्टेंट, कि उसका जिंदा रहने का टाइम, वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने किया टी प्राइस, ये टी प्राइस इधर पे, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बाद ये टी प्राइस से करूंगा प्रिंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या, प्रिंट एलन चलना टी प्राइस, और मैं रन करूंगा ना तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा टी प्राइस नॉट डिफाइंड, ठीक है, एक्सपेक्टिंग मेंबर डिक्लेरेशन, एक्सपेक्टिंग मेंबर डिक्लेरेशन, मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आइए, बोल रहा है कि भाई साहब ये जो फंक्शन जो है टी प्राइस ये कहाँ है, ये जो टी प्राइस जो है ना ये कहाँ पर है, ये टी प्राइस जो है इस वेरिएबल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर है ना। सो इस टी प्राइस का जो बोलते हैं ना स्कोप, ये टी प्राइस का स्कोप बस इतना तक ही है, इसके आप बाहर गए टी प्राइस हमको चीज नहीं है। तो अगर आपको चाहती है कि कोई ऐसा वेरिएबल हो जो आप हर फंक्शन के बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी आप उसको यूज करो, तो उसको बोल देगा ग्लोबल वेरिएबल। उस ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप रहता है वो
लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डोर वाला है ना, सुन करता हूँ, ये जो मेरा डोर है वेल डोर इक्वल टू फोर, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसका स्कोप क्या है, इसका इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही है। इस क्लास के बाहर आ जाओ, इस क्लास के आगे बाहर आ जाओ, लाइक चलो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, इधर पे मैं आया, लाइक जो हम जो भी चीज एग्जीक्यूटर की हमारे मेन फंक्शन में होगी ना, अगर यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट एल एन डोर, ठीक है प्रिंट एल एन डोर किया मैंने और उसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो मुझे एरर देगा, बोलेगा अनरिजॉल्व रेफरेंस डोर, समझे। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो डोर हवाला हमारा था वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, इसका स्कोप कहाँ था, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर था। इस क्लास के बाहर आए आप लोग, इसका स्कोप चला गया। अब क्या बोलोगे कि यार इसका इसका जो रहता है यूज क्या है, जो ग्लोबल वेरिएबल का यूज ये होता है कि कभी कभार जो होता है ना, हमें कुछ लगते हैं वेरिएबल जो बाहर बाबा काम वाला है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप बना रहे कैलकुलेटर, ठीक है आप बना रहे कैलकुलेटर, सो कैलकुलेटर में क्या होगा, बटन लेते हैं। अभी जब भी और हर हर बटन का फंक्शन अलग अलग होता है ना, तो अगर आपने 7 क्लिक किया तो 7 स्क्रीन में 7 लिखा आता है ना, सो वो कैसे आता है, तो ऐसा होता है ना कि एक ऐसी क्लास ही बनी होती है कैलकुलेटर की, और ऊपर जो होता है एक बनता है क्या बोलते हैं उसे, ग्लोबल वेरिएबल नाम का टोटल, ठीक है ऐसा ग्लोबल वेरिएबल बनता है नाम का टोटल। तो जब भी अलग अलग फंक्शन कॉल होते हैं, लाइक अगर 7 समझो कि हर बटन के लाइक 1 0 से लेके 9 तक और सारे प्लस माइनस के, सब हर बटन के अलग अलग फंक्शन है, सो जब भी कोई फंक्शन बुलाया जाएगा तो जो ग्लोबल वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो लाइक समझो ना, जब जब कैलकुलेटर में टाइप करते हो 1 तो ऊपर अमाउंट में लिखा आता है 1, जब आप प्राइस करते हो 2 तो ऊपर लिखा आता है 2, है ना, ये कैसे होता है। तो क्या होता है कि जो फंक्शन होते हैं ना, जो उस क्लास के अंदर के फंक्शन है, वो सारे फंक्शन उस ग्लोबल वेरिएबल, जो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा टोटल अमाउंट, उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो ऐसे टाइम पे यूज होता है हमारा क्या, वेरिएबल्स यूज करता है। और हाँ, जब भी कोई भी पेरेंट क्लास, जब भी कोई चाइल्ड क्लास अगर कोई पेरेंट क्लास इनहेरिट करती है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैटर ओवरलोड नहीं कर सकते हो, आप चाहो ना तो आप जो ये वाल बनाए मेरा डोर जो प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को भी ओवरराइड कर सकते हो। अभी कैसे करते हो ओवरराइड, वही नॉर्मल, यहाँ पे आप लिख दो ओपन और नीचे जो आप कर दो ओवरराइड डोर इक्वल टू टू, या फिर सिर्फ वो वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी ओवरराइड। तो आपको समझे कि इनका क्या होता है यूज, और इनको कैसे इनहेरिट करके इनके वैल्यू चेंज कर सकते हो आप।